नमस्कार दोस्तों, आज का विषय यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय है। सबसे पहले हम भूमिका यानी इंट्रोडक्शन से प्रारंभ करेंगे। शब्द ज्यामिति यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मिट्रिन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि और मिट्रिन का अर्थ है मापना। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यामिति का उद्गम भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ है। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड की परिभाषाएं और अभिगृहित। बिंदु, वह जिसका कोई भाग नहीं होता है उसे हम बिंदु कहते हैं। रेखा यानी लाइन चौड़ाई रहित लंबाई होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, रेखा AB का चौड़ाई नहीं है पर लंबाई है। एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। एक पृष्ठ यानी सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के किनारे यानी एजेस पर रेखाएं होती है। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो आप पाएंगे कि कुछ पदों जैसे भाग, चौड़ाई, लंबाई, सपाट रूप से इत्यादि को स्पष्ट रूप से आगे और समझाने की आवश्यकता है। जैसे बिंदु की परिभाषा पर विचार कीजिए तो एक भाग का परिभाषित करने की आवश्यकता है। इन्हीं कारणवश गणितज्ञों द्वारा यह सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ पदों को अपरिभाषित मान लिया गया है। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड के कथन को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग को हम अभिगृहित यानी एक्सियम कहते हैं तथा दूसरे भाग को हम अभिधारणाएं यानी पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो चलिए अब हम यूक्लिड के अभिगृहितों के बारे में पढ़ेंगे। वे वस्तुओं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसा कि उदाहरण के रूप में यदि a बराबर b है और b बराबर c तो a बराबर c होगा। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। एक ही वस्तुओं के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। अब हम यूक्लिड के अभिधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अभिधारणा एक, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अभिधारणा दो, एक शांत रेखा यानी टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, रेखा AB को दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? यूक्लिड की परिभाषाएं और अभिगृहितों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने यूक्लिड के कथन को दो भागों में बांट दिया। फिर यूक्लिड के अभिधारणाओं के बारे में भी पढ़ा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब इससे आगे हम भाग दो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।